Everyone, in this video, I am going to discuss octal to binary encoder or 8 to 3 encoder. 8 to 3 encoder, how many number of inputs in this? Number of inputs isme honge humare 8. This is the number of inputs and these are number of outputs. Clear? What is the function of encoder? Basically, encoder kya karta hai? Output par binary combination generate karta hai corresponding to the input. Thik? Agar hum iska block diagram dekhna chahe ya symbol dekhna chahe to wo kaisa hoga? Ye humara rectangle box. ठीक है, इसके 8 इनपुट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक, इसको हमने लिखा D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7. ठीक, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 8:3 इनकोडर. ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 आउटपुट्स होंगे जो बाइनरी होंगे, जिसको मैंने लिखा Y0 Y1 Y2. ठीक, दीज आर इनपुट्स, दीज आर आउटपुट, दिस इज द सिंबल. नाउ अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं तो ट्रुथ टेबल में हमारे क्या होगा? ट्रुथ टेबल ऑफ 8:3 इनकोडर. ठीक है, इनपुट्स एंड आउटपुट. ठीक, इनपुट्स कितनी होंगी? 8 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7. डन, आउटपुट्स कितने होंगे? 3 Y0 Y1 Y2. यू कैन यूज़ एनी वेरिएबल फॉर दिस. एट अ टाइम इनकोडर में एक ही इनपुट आपकी हाई होती है, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी कॉम्बिनेशन मिलता है. ठीक, तो बनाना शुरू करते हैं. पहले D0 हाई है, रिमेनिंग ऑल क्या होंगी? 0. ठीक, D0 हाई है, 0 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? 0 0 0. नेक्स्ट हमारी क्या ऑन होगी? उसके नेक्स्ट हमारी ऑन होगी D1, मीन्स कि इस पर हाई होगा. रिमेनिंग ऑल हमारी क्या होंगी? 0. इसके करस्पॉन्डिंग हमें बाइनरी क्या मिलेगा? 1. नेक्स्ट हमारी D2 हाई होगी, रिमेनिंग ऑल क्या होंगी? 0. 2 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 0 1 0. नेक्स्ट हमारी D3 ऑन होगी, रिमेनिंग ऑल क्या होंगी हमारी? 0. और 3 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? 0 1 1. नेक्स्ट हमारा क्या ऑन होगा? D4, रिमेनिंग ऑल क्या होंगी? 0. 4 को हम बाइनरी में लिखते हैं 1 0 0. नेक्स्ट हमारा ऑन होगा D5, 1 होगा, रिमेनिंग ऑल 0. 5 को लिखते हैं 1 0 1. नेक्स्ट हमारा होगा D6, 1, रिमेनिंग ऑल 0. और 6 को हम लिखते हैं 1 1 0. लास्ट हमारा क्या होगा? D7 हाई, और उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगी? 1 1 1. ठीक, नाउ अगर हम Y0 लिखें तो Y0 की एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर हाई हो रही है चेक करते हैं. 1 2 3 4. ठीक, दिस इज D4, मतलब D4 प्लस D5 D6 D7 D5 D6 D7, D5 प्लस D6 प्लस D7. नाउ Y1 इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये है हमारी D2 प्लस D3 प्लस D6 D7 D6 एंड D7. नाउ फॉर Y2, D1 D3 4 के बाद 5 एंड लास्ट है D7. ठीक, तो दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर. नाउ अब हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है. तो डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, दीज आर द इनपुट्स. आउटपुट हमारे कितने हैं? 3 हैं, मीन्स कि Y0 Y1 Y2. ठीक, नाउ अब हम कनेक्शन करते हैं. सबसे पहले Y0 में हमारा कनेक्शन किसका है? D7 D6 D5 D4. ठीक है, तो ये हमें Y0 मिल गए. नाउ अब हमें क्या देखना है? अब हमें Y1 देखना है. Y1 के लिए कनेक्शन क्या है? D7, मीन्स कि दिस वन, देन है D6, मीन्स कि दिस वन, देन है D3, मीन्स दिस वन,
देन है डी टू मीन्स की दिस वन डन. नाउ अब हमें किसके लिए देखना है, वाई टू के लिए. वाई टू के लिए एक्सप्रेशन क्या है, डी सेवन मीन्स की दिस डी सेवन, डी फाइव मीन्स की दिस इज डी फाइव, डी थ्री मीन्स दिस इज डी थ्री, लास्ट इज डी वन मीन्स की डी वन. ठीक, तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर. थैंक यू सो मच.